हेलो दोस्तों, सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो फ्राइडे को हमने एनालिसिस किया था, उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट में कैसे मूवमेंट रहा, क्या मार्केट में काम हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि अभी जब आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 6-5 तारीख को, तो कल के लिए 6 तारीख को हमारा मार्केट में क्या प्लानिंग रहेगा, कल के लिए हमें मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी लेके चलना है, जो प्रोसेस हम पूरी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते कि सपोज दैट जब यहाँ पे फ्राइडे को 2 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ था, तो 5 तारीख के लिए हमने एनालिसिस किया क्या था निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में हमने बताया था कि कल का मतलब फ्राइडे का रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो आप कि 17,633 से लेके 17,694 इसके बीच में मार्केट अगर आ जाए और 633 के ऊपर अगर मार्केट चला जाए, तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, बाय ट्रेड में चला जाएगा, ये प्रोसेस था। और अगर मार्केट 17,563 के नीचे रहता है, तो फिर हम मार्केट को एक बार डाउन ट्रेंड में बात करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, ये प्रोसेस हमने किया था। और जब सुबह सुबह आप मार्केट जब ओपन हुआ, तो मार्केट बहुत फ्लैट चल रहा था। जब ओपनिंग देखेंगे तो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट खुला उसके बाद मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ। एक 15-20-25 पॉइंट करते करते मार्केट में पहले 15 मिनट में ही आप देखेंगे तो ये पहले 15 मिनट का हाई 17,623.6 23 32.70, मतलब ऑलमोस्ट 633 के नियर अबाउट पहुंच चुका था। और अगले कैंडल ने तो उसे आराम से ब्रेक कर दिया और 683 का हाई कर दिया। इसी का मतलब जो हमने ये रेंज बताया था 633 से लेके 645, अगर ये रेंज में मिलता है तो यही पे बाय करते, यही से कंफर्मेशन पॉइंट होता है। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, जैसे मान लो सपोज दैट आज मार्केट ओपनिंग में ही 17,800 ओपन हो जाता, तो उसके बाद फिर मार्केट 17,650 को नहीं मिलता है, तो फिर कहाँ पे मिलता है, तो 694-95 के नियर अबाउट मार्केट वहां तक पुल बैक करता है और वापिस ऊपर चला जाता है। तो ये पुल बैक पॉइंट हमारे लिए वहां पे था, लेकिन मार्केट बहुत फ्लैट ओपन हुआ, वहां से आराम से ऊपर जा रहा है, तो 633 से लेके 640-645 ये कंप्लीट रेंज था हमारा मार्केट में बाइंग का। ये रेंज में मार्केट आएगा तो सीधा सीधा खरीदना था, ये प्रोसेस हमें करना था। तो यहाँ पे मार्केट आया तो हमें बाय करना था, और मार्केट में वही चीज हुआ कि जब बाय हुआ उसके बाद देखो मार्केट वापस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, वापस ये कैंडल को भी अगर देखेंगे तो 641 का लो किया हुआ है, तो आराम से मार्केट में वो ट्रेड करने को टाइम मिलता है। और इसे कंटिन्यूस नीचे आया हुआ, वापिस 648 का लो किया, वापिस ऊपर गया, वापिस यहाँ पे नियर अबाउट 660 का लो करके मार्केट ने आज का 726-27 का हाई किया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब मार्केट ये नीचे ऐसा नीचे आ रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड अप ही है, नहीं तो अदरवाइज पिछला मूवमेंट जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा ऊपर आया, अभी ये पुल नीचे ही जाएगा, अभी ये नीचे, ये जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो हमने बताया था कि 633 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, तो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ये जो मार्केट नीचे जा रहा था 2-3 दिन से, सपोज ये मार्केट जो गिर रहा था, उसने मार्केट में ट्रेंड चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, और अभी यहां से जितना भी मार्केट ऐसा नीचे आएगा तो इसे सिर्फ हम पुल बैक बोलेंगे और मार्केट ऊपर ही जाएगा, अप ट्रेंड में रहेगा, ये प्रोसेस हमें यहाँ पे समझना होता है। तो ये जब आप चार्ट होने के बाद बोलेंगे तो लेट हो जाते हैं। तो जब ये प्राइस को आप देखेंगे, जब हमने यहाँ पे बताया कि 633 ये रेंज के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस हो जाता है तो अप ट्रेंड पकड़ना है, और जब तक 563 के नीचे नहीं जाएगा तब तक डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, ये प्रोसेस हमारा आज का निफ्टी के लिए था। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था और बहुत अच्छे से मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट हुआ। अभी हम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो बात करना चाहते हैं कि अभी जब 5 तारीख को हम यहाँ पे बैठे हैं और कल 6 तारीख के लिए मार्केट में क्या करना है, वो प्रोसेस हमें अंडरस्टैंड करना है। अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आपको तुरंत बताता हूँ अभी कि 6 तारीख के लिए हमारा लेवल क्या रहेगा। तो जैसे ही ये सिस्टम पे मैं आ रहा हूँ सपोज दैट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आज निफ्टी में जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है,
तो मैंने देखो बाकी सब कुछ प्रोसेस है, सितंबर सीरीज में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर का एनालिसिस कर रहा हूँ। और ये 5 तारीख 5 सितंबर जो आज 3:30 के बाद मार्केट का क्लोजिंग आ चुका है, तो मैं मार्केट में एनालिसिस करने के लिए बैठा कि कल 6 तारीख के लिए मार्केट में क्या ट्रेंड होना चाहिए। और उसके लिए पूरा डेटा लोड हो चुका है, 5 तारीख का डेटा लोड हुआ, यहाँ पे स्विंग इक्वल टू यहाँ पे लो आया, इसका मतलब मार्केट में अभी बाय ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमने वहां पे अप ट्रेंड का एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, जो कि आज 633-650 के नियर अबाउट मार्केट में बाइंग हो रहा था, तो कल के लिए 622 से लेके 675 बीच में मार्केट कहीं पे भी मिल जाए बाय करना है। और जब तक मार्केट 17,562 के नीचे नहीं निकलता, तब तक मार्केट में अप ट्रेंड, आज जो मार्केट में स्ट्रेंथ आया हुआ है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा। जिसने पोजीशन नहीं बनाया हुआ है वो पोजीशन 622 से लेके 676 के बीच में बाय करेंगे। और अगर मार्केट कोई भी रीजन की वजह से अगर 562 के नीचे चला जाता है तो ही मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। ये प्रोसेस आपको समझना है। ये जो अपट्रेंड अभी चल रहा है, ये अपट्रेंड, ये मार्केट पुल बैक करेगा। अगर 562 के नीचे मार्केट चला जाता है अभी यहाँ पे इसके बाद, तो समझना कि मार्केट में ये जो अप ट्रेंड आने की कोशिश किया था ये खत्म हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ऐसा अंडरस्टैंड करना है। तब तक मार्केट में 17,622 से लेके 17,675 ये बाइंग जोन है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट आएगा तो कंटिन्यूसली हमें बाय करना है। और मार्केट जब तक 562 के नीचे जाता नहीं है तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा नहीं, ये प्रोसेस है। और अगर 62 के नीचे चला जाएगा तो फिर मार्केट में एक बार डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। अभी बात आती है कि आपको मार्केट में आप फ्यूचर में काम करना, तो मैंने रेंज बताया, वैसे ही सपोज आपको अगर ऑप्शन में करना है तो जब मार्केट कल ये रेंज में 622 से लेके 75 के बीच में मार्केट कहीं पे भी आता है तो 17,700 का जो कॉल रहेगा वो कॉल को आपको खरीदना है। और जब तक 562 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक वो कॉल में आप होल्ड कर सकते हो। और जैसे ही मार्केट सपोज हमारा टारगेट रहेगा तो कल का ये 780 का टारगेट को आपको वेट कर सकते हो, कम से कम 780 को कल मार्केट जा सकता है। ये मिनिमम टारगेट जो आज ऑलरेडी अचीव हो चुका है तो ये कल के लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, कल सीधा मार्केट 780 को जाएगा। और अगर वहां से वापिस थोड़ा ऊपर जाना है तो अगला टारगेट भी मैं बोलता हूँ कि 825 तक मार्केट जा सकता है। तो कल के लिए दो टारगेट मिलेंगे, 780 और 825, ये दोनों टारगेट के लिए कल आप मार्केट में बैठ सकते हो। ये रेंज मार्केट में खरीदना है, 700 का कॉल खरीद सकते हो। जब तक 562 के नीचे नहीं जाता है तब तक 17,780 और 17,825 ये दोनों टारगेट के लिए निफ्टी में आप मार्केट में बाय में बैठ सकते हो, प्रोवाइडेड मार्केट 562 अगर ब्रेक करेगा तो कल बाय नहीं करेंगे फिर, तो फिर हम शॉर्ट सेल में आ जाएंगे। 562 से लेके 550 के बीच में कहीं पे भी मार्केट आ जाए तो फिर वहां से एक बार वीकनेस बढ़ेगा और मार्केट और नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको कॉल में काम करना, ऑप्शन में काम करना है, तो ये बाइंग रेंज में कॉल बाय करेंगे, जो टारगेट बताए वहां पे मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर सपोज मार्केट ये सेलिंग रेंज में आ जाता है तो फिर हमें पुट खरीदना है, और 17,550 या तो 17,500 का जो पुट रहेगा उसमें कल के लिए आप मार्केट में काम कर सकते हो। ये प्रोसेस हमें कल के लिए फॉलो करना है। सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में जो हमने एनालिसिस करके दिया था कि 926-25 के ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। और जो आज मार्केट में हुआ है 39,999 का हाई मार्केट ने किया, ऑलमोस्ट 40,000 का 1 रुपया शॉर्ट है, तो वहां पे ये फ्यूचर का लेवल मार्केट में, मतलब जो रेंज हम बता रहे थे वो रेंज को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तो थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक चल रहा था। तो वापिस मार्केट में अगर 39,680 से लेके 39,808 ये रेंज में मार्केट आज घूम रहा था, यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी आ जाए वापिस कल भी आएगा तो वापिस एक बार बाय करेंगे, क्योंकि पहले एक आधे घंटे में मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, 925 के ऊपर 939 या तो 940 का हाई कर दिया, मतलब मार्केट में जो मैंने फ्राइडे को रेंज दिया था वो लेवल मार्केट ने अपसाइड ब्रेक कर दिया। इसी का मतलब फिर मार्केट में अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो ये बाइंग जोन रहेगा। तो मंडे के लिए, मतलब कल के लिए जब हम 6 तारीख की बात करेंगे, तो कल 39,700
या तो 39,800 के कॉल को आप खरीद सकते हो, और अगर मार्केट 39,537 के नीचे अगर जाएगा तो ही मार्केट वापिस फिर बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में जाएगा। तब तक जो आज अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर 39,537 के नीचे गया तो ही इसमें डाउन ट्रेंड का सोचना है, और अगर ये मार्केट सेल के नीचे चला जाएगा, ये सेलिंग रेंज 537 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी का फ्यूचर चला जाता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो ही फिर आपको 39,500 का जो पुट है उसमें आप काम कर सकते हो, उसमें एक बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है और ये चीज हमें काम करना है। जैसे हमने ऑप्शन में काम किया था तो जो हमने प्रोसेस लिया तो वो प्रोसेस किया, तो जो आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ लेकिन उस ऊपर के साइड में ब्रेक हुआ तो उसको जो भी हमारा टॉप लॉस था टॉप लॉस फॉलो करके हमने हमें वहां पे एग्जिट किया, और जब आज मार्केट बाय में गए तो जब मार्केट बाय में गया तो 17,700 का जो कॉल था वो 95-100 के बीच में हमें खरीदना था, खरीद लिया, मार्केट 125-130 तक ऊपर जा रहा था, 125 तक गया, 25-30 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैंने कल के लिए पोजीशन होल्ड किया हुआ है। वैसे ही सपोज 39,900 का जो कॉल था 240-200 के बीच में खरीदना था, 140 का टारगेट है, 350 का टारगेट दिया था, तो 350 तक मार्केट पहुंच चुका है, तो टारगेट 1 अचीव हुआ है लेकिन 420 अभी जाना बाकी था। तो ये प्रोसेस है, तो ये दोनों पोजीशन अभी कल के लिए हमने कॉल को कैरी किया हुआ, 17,700 का कॉल और 39,900 का जो कॉल था, ये दोनों कॉल हमने कल के लिए पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है, ये पोजीशन हमने कैरी किया हुआ है। बीच में जिसको इंट्राडे काम करना है तो हम एंट्री करके अपना जो पहला टारगेट रहता है वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। और मार्केट में अगर पोजीशन होल्ड करना है तो वो चीज भी 3 से 3:15 के बीच में बताया जाती है कि कल के लिए लेके जाना है कि नहीं जाना है, तो ये पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो जरूर लाइक करेंगे, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन बटन को आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो कल का एनालिसिस आपको आएगा अपने चैनल पे तो आपको डायरेक्टली वहां पे नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच।